शांची अब खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि एमसीयू की चांडाल चौकड़ी में एक नया जोकर शामिल हो गया। मगर भाई इसकी भी तो अपनी कोई इज्जत होनी चाहिए, और इसीलिए हम शांची की आज तीन स्पेसिफिक एंडिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसकी अपने पूरे मल्टीवर्स में क्या कहानी, वैल्यू और स्टेटस है। तो अपन को जब डायरेक्टली कहानी की सबसे पहली एंडिंग नजर आती है, तो अपना शांची और उसकी मो बोली बेस्ट फ्रेंड केथी भी ठीक उसी रेस्टोरेंट में नजर आते हैं जहां मूवी के शुरू के दौरान में वो अपने सैन फ्रांसिस्को के दोस्तों के साथ जिंदगी के पूरे जीने मरने वाली पोटेंशियल की बातें कर रहे होते हैं। मगर एंडिंग में अपने शांची और अपनी हाई स्कूल वाली दोस्त सो और उसके हस्बैंड जॉन को वो सारी पागलों वाले काम बताती है कि इस हफ्ते में उन्होंने क्या क्या किया, किस किस को बचाया, कहां कहां गए थे। और सो को ये सारी बातें सुनकर लगता है कि अब ये हमारे मजे ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये कार पार्किंग करने वाली नौकरी से लेकर सीधे डीमन से लड़ना, उन्हें मारना, दुनिया को बचाना कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी शांची और केती की बात को प्रूफ करते हुए सो और जॉन के बैकग्राउंड में एक मैजिकल पोर्टल खुलता है, वही अपना कामरताज वाला, जिसमें से भौकाली वाली एंट्री के साथ वॉन्ग बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं मामला बहुत सीरियस है, अभी हमारे साथ चलो और केती को भी साथ में लेकर चलना। जिसपे केती हैरान हो जाती है कि मैं क्यों। अब देखो इस बात से यहाँ पे ये भी हिंट निकल के आता है कि there is something special about केती। अब हम शुरू से इस लड़की को पसंद करते थे, जान रहे हैं कि इसमें कुछ है बात। और फिर क्या, वोंग एक कड़क बिना पानी का शॉट मारने के बाद वहां से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे शांची और केती भी चले जाते हैं उस पोर्टल से सैंक्टम के अंदर, अपनी दोस्तों और उसके पति के साथ हमें भी गुड बाय कहते हुए वो निकल जाते हैं। लेकिन खैर ये तो कहानी की सबसे पहली एंडिंग की बात हो गई। उसके बाद जो अपना सबसे पहला मिड क्रेडिट सीन अपन को देखने को मिलता है, वहां पे कहानी ठीक अपने आप को वहीं से उठाती है जहां से उसने अपने आप को छोड़ा था। तो वहां पे वोंग सैंक्टम के अंदर शांची और केती को उन 10 रिंग्स के बारे में समझाता है, इंफॉर्मेशन देता है कि उसने ऐसा कभी भी अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उस कमरे के अंदर खाली वो अकेले नहीं है, साथ में ब्रूस बैनर और कप्तान मार्वल भी है, लेकिन ठीक होलोग्राफिक इमेजिंग के थ्रू, जैसे कि हमें एवेंजर्स एंडगेम में देखने को मिला था। और कसम से गुरु दोनों को देखकर मजा आ गई। बैनर तूने अच्छा किया कि तूने अपना स्मार्ट हल्क वाला नशा छोड़ दिया, और तेरा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तू हल्की है ना। और ऊपर से यार रॉकेट सही कहता है, ये कैरल हमेशा अपनी हेयर स्टाइल्स को चेंज करती रहती है, हमेशा टिप टॉप दिखती है, क्या करें बेचारी बिजी रहती होगी ना, ब्रह्मांड को बचाने का बोझ जो इनके सिर पे है। अब खैर आगे ब्रूस को ये बात लगता है कि ये रिंग्स कहीं एलियन चिट्टोरी ओरिजिन से तो बिलोंग नहीं करती, जिसपे कैरल जवाब देती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई एलियन टेक नहीं देखा। वहां पे इस बात से सब हैरान थे कि तुम्हारे बाप के पास ये रिंग्स आई कहां पे, जहां पे शांची कहता है कि पिताजी के पास तो ये हजारों सालों से था, मगर बैनर इसकी थर्मल लुमिनेंस के हिसाब से देखकर बताता है कि से भी ज्यादा पुरानी है। बीच में वोंग ये भी बात मेंशन करता है कि जब शांची ने इसका इस्तेमाल किया तो इसका असर कामर ताश तक भी फील हुआ, और वो उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन को ज़ूम करते हुए ये बात भी समझाता है कि इन रिंग्स के अंदर से कोई सिग्नल नुमा पैटर्न जारी किया जा रहा है, कि मतलब कि जैसे ये किसी को मैसेज भेज रही हो। मगर अभी किसी को कुछ नहीं पता कि ये मैसेज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहीं ये भी तो आसिकी के चक्कर में नहीं फंसा हुआ है। तो भाई जैसे ही ये बताया गया है कि ये एंशिएंट वेपन बहुत ही हजारों हजारों साल पुराना है, तो ये भी हो सकता है कि ये कोई मैसेज अपना एंशिएंट इंपोर्टल बीइंग के साथ कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा हो, जो कि हजारों सालों से अर्थ पे ही कहीं ना कहीं था, जो कि अब हम जिसका डायरेक्ट रिसेम्बलेंस अपने इटर्नल से भी जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन खैर फिर भी उस बात का आंसर हमें कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाएगा। मगर तभी बदकिस्मती से कैरल को एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसे जल्दबाजी में वहां से निकलना पड़ता है। वो शांची से कह भी देती है कि तुम बैनर से मेरा नंबर ले लेना। क्या इतना आसान है उसका नंबर मिलना? नहीं, मगर ब्रूस भैया के पास लड़की का नंबर नहीं है। ब्रूस भैया कुछ करिए अपनी जिंदगी के साथ, तो बाल भी पक गए हैं, ऊपर से हाथ भी टूटा हुआ। खैर फिर भी सीन में ऑकवर्डनेस के साथ वो ये बात कहते हैं कि भाई मेरे पास इसका नंबर उम्बर नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही करती रहती है। और वो अपने पोर्शन के एंड नोट के साथ वेलकम टू द सर्कस कह के वो भी वहां से निकल जाते हैं, जिसपे वोंग उन दोनों को ये बात समझाता है कि गुरु देखो अब जिंदगी आउट झंड होने वाली है, कुछ सारी ऐसी चीजों देखोगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कभी देखा ना होगा ना सुना होगा, मगर उससे पहले घर जाइए, नहाइए धोइए, थोड़ा सा आराम करिए। जिसपे आराम से केती को एक आइडिया आता है, जिसके अगले ही सीन में अपन को देखने को मिलता है कि ये तीनों होटल कैलिफोर्निया के गाने पे कैरियोके कर रहे हैं, जिससे ये बात भी जाहिर होती है कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर मस्ती करने को चूज कर रहे हैं। अब इसके बाद कहानी की सबसे आखिरी एंडिंग अपन को देखने को मिलती है, जहां पे सब कुछ खत्म होने के बाद शांची की बहन ज्याले का ये ब्रीफ पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहां पे हमें शांची अपनी पहली एंडिंग में ये बात बता चुका था कि उसकी बहन तो भाई अपने बाप का गैर कानूनी धंधे को सब बंद कराने गई है, लेकिन यहाँ पे देख के तो ऐसा लगता है कि अपने बाप के जाने के बाद अब ज्यालिंग ही उसे अपने तरीके से चलाएगी और उसे संभालेगी भी, लेकिन वो भी अपने नियम कायदों के साथ। वो उसे ट्रांसफॉर्म करती है, उसमें महिला सशक्तिकरण को डालती है, अब यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहना हुआ है साथ, और इसमें थोड़ा सा कॉस्ट्यूम भी उन सबका चेंज है। तैयारी इसमें बहुत ही जोर शोर से भूख के चल रही है। वो अपने फाइट क्लब वाले ऑर्गेनाइजर जॉन जॉन को भी इसमें रिक्रूट करती है, और आर्मी का हेड अभी भी रेजर फिस्टी है। अब देखो 10 रिंग्स में काफी बड़े बड़े बदलाव अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें महिलाओं का हैविली एड हो जाना, वो भी अपने लेट हुए बाप के रिस्पॉन्स में, कि कैसे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियों को भर्ती नहीं करता था, कि उन्हें कमजोर मारता था, वगैरह वगैरह। और ठीक इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें मॉडल स्टाइल की ग्रफिटी भी देखने को नजर आती है, जिससे ये बात भी जाहिर होती है कि अब ये 10 रिंग्स
वो टिंग्स नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। अब ये टेन रिंग्स जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो चुका है। मगर ऐसी बात भी नहीं है कि भाई यालिंग एकदम ही मर्दों को हेट करती है, थैंक गॉड, क्योंकि भाई इसमें पोटेंशियली और भी मर्द नजर आते हैं। और ये भी बात हाइपोथेसिस निकल के आती है कि और भी अच्छे विलन्स इसमें से और निकलेंगे। और अपना पोस्ट क्रेडिट सीन एंड होते होते हमें ये लिख के आता है कि द टेन रिंग्स विल रिटर्न। अब देखो ये बात तो श्योर नहीं है कि आगे ये कहां पे नजर आएंगे, मगर अपने फाइगी साहब के पास कोई शातिर प्लान जरूर होगा पोटेंशियली अपने कुछ डिज्नी प्लस के शोज में ही। तो इसके अलावा तुमने अगर कुछ और भी उस अंधेरे थिएटर में कुछ और डिटेल्स देखी तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताना, पिक्चर के बारे में, अगल बगल की चीजें नहीं। इसके अलावा अगर और भी कुछ बेहतर डिटेल्स रही है जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको स्टूडियो में देखकर कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।